श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 149 परिच्छेद 24 दक्षिणेश्वर में राखाल राम आदि के साथ। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में दोपहर को भोजन करके भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। आज 25 फरवरी 1883 ईस्वी सन है। राखाल, हरीश, लाटू, हाजिरा आजकल श्री रामकृष्ण के पास ही रहते हैं। कलकत्ते से राम, केदार, नित्य गोपाल, मास्टर आदि भक्त आए हैं और चौधरी भी आए हैं। अभी अभी चौधरी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। मन में शांति पाने के उद्देश्य से कुछ एक बार वे श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। उन्हें उच्च शिक्षा मिली है, सरकारी पद पर नौकरी करते हैं। श्री रामकृष्ण राम आदि भक्तों से, राखाल, नरेंद्र, भवनाथ ये सब नित्य सिद्ध हैं। जन्म ही से इन्हें चैतन्य प्राप्त है। ये लोक शिक्षा के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक श्रेणी के लोग और होते हैं, वे कृपा सिद्ध कहलाते हैं। एकाएक उनकी कृपा हुई कि दर्शन हुए और ज्ञान लाभ हुआ। जैसे हजार वर्षों के अंधेरे कमरे में चिराग ले जाओ तो क्षण भर में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे नहीं होता। जो लोग संसार में हैं, उन्हें साधना करनी चाहिए, निर्जन में व्याकुल होकर ईश्वर को बुलाना चाहिए। चौधरी से, पांडित्य से वे नहीं मिलते और उन्हें विचार करके समझने वाला है कौन? उनके पाद पद्मों में जिससे भक्ति हो, सबको वही करना चाहिए। उनका ऐश्वर्य अनंत है, समझ में क्या आए और उनके कार्यों को भी कोई क्या समझे। भीष्म देव का क्रंदन। श्री राम कृष्ण, भीष्म देव जो साक्षात अष्ट वसुओं में एक हैं, शरशैया पर रोने लगे। कहा, क्या आश्चर्य, पांडवों के साथ सदा स्वयं भगवान रहते हैं, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं, भगवान के कार्यों को कोई क्या समझे। कोई कोई सोचते हैं कि हम भजन पूजन करते हैं, हम जीत गए, परंतु हार जीत उनके हाथों में है। यहाँ एक वैश्या मरने के समय ज्ञान पूर्वक गंगा स्पर्श करके मरी। चौधरी, किस तरह उनके दर्शन होते हैं? श्री राम कृष्ण, इन आँखों से वे नहीं दिख पड़ते, वे दिव्य दृष्टि देते हैं, तब उनके दर्शन होते हैं। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के समय श्री भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। तुम्हारी फिलॉसफी में सिर्फ हिसाब किताब होता है, सिर्फ विचार करते हैं, इससे वे नहीं मिलते। यदि राग भक्ति अनुराग के साथ भक्ति हो तो वे स्थिर नहीं रह सकते। भक्ति उनको उतनी ही प्रिय है जितनी बैल को सानी। राग भक्ति, शुद्धा भक्ति, अहैतु की भक्ति जैसे प्रह्लाद की। तुम किसी बड़े आदमी से कुछ चाहते नहीं हो, परंतु रोज आते हो, उन्हें देखना ही चाहते हो। पूछने पर कहते हो, जी कोई काम नहीं है, बस दर्शन के लिए आ गया। इसे अहेतु की भक्ति कहते हैं। तुम ईश्वर से कुछ चाहते नहीं, सिर्फ प्यार करते हो। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे। गीत का मर्म यह है, मैं मुक्ति देने में कातर नहीं होता, किंतु शुद्धा भक्ति देने में कातर होता हूँ। मूल बात है ईश्वर में रागानुगा भक्ति और विवेक वैराग्य चाहिए। चौधरी, महाराज, गुरु के न होने से क्या नहीं होता? श्री राम कृष्ण, सच्चिदानंद ही गुरु है। शव साधना करते समय जब इष्ट दर्शन का मौका आता है, तब गुरु सामने आकर कहते हैं, यह देख अपना इष्ट। फिर गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। जो गुरु हैं, वे ही इष्ट हैं। गुरु मार्ग पर लगा देते हैं। अनंत का तो व्रत पर पूजा विष्णु की जाती है, उसी में ईश्वर का अनंत रूप विराजमान है। सर्वधर्म समन्वय।
श्री राम कृष्ण राम आदि भक्तों से। यदि कहो किस मूर्ति का चिंतन करेंगे, तो जो मूर्ति अच्छी लगे उसी का ध्यान करना, परंतु समझना कि सभी एक हैं, किसी से द्वेष न करना चाहिए। शिव काली हरि सब एक ही के भिन्न भिन्न रूप हैं। वह धन्य है जिसको उनके एक होने का ज्ञान हो गया है। बाहर शैव हृदय में काली, मुख में हरि नाम। कुछ कुछ काम क्रोधादि के न रहने से शरीर नहीं रहता, परंतु तुम लोग घटाने ही की चेष्टा करना। श्री राम कृष्ण केदार को देखकर कह रहे हैं, ये अच्छे हैं, नित्य भी मानते हैं, लीला भी मानते हैं। एक ओर ब्रह्म और दूसरी ओर देव लीला से लेकर मनुष्य लीला तक। केदार कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के रूप में भगवान मनुष्य देह धारण कर अवतीर्ण हुए हैं। नित्य गोपाल को देखकर श्री राम कृष्ण बोले, इसकी अच्छी अवस्था है नित्य गोपाल से, तू वहाँ ज्यादा न जाना, कहीं एकाध बार चले गए। भक्त है तो क्या हुआ, स्त्री है ना, इसीलिए सावधान रहना। सन्यासी के नियम बड़े कठिन है, उसके लिए स्त्रियों के चित्र देखने की भी मनाही है। यह संसारियों के लिए नहीं है। स्त्री यदि भक्त भी हो तो भी उससे ज्यादा न मिलना चाहिए। जितेंद्रिय होने पर भी सन्यासी को लोक शिक्षा के लिए यह सब करना पड़ता है। साधु पुरुष का 16 आना त्याग देखने पर दूसरे लोग त्याग की शिक्षा लेंगे, नहीं तो वे भी डूब जाएंगे। सन्यासी जगत गुरु है। अब श्री राम कृष्ण और भक्तगण उठकर घूमने लगे। मास्टर प्रहलाद के चित्र के सामने खड़े होकर देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने कहा है कि प्रहलाद की भक्ति अहैतु की भक्ति है।